स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोगो में आप कैसे कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे लोगो में प्रोग्राम बनाया जाएगा। सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ ट्राइंगल एज शोन इन देयर विच हैज ऑल साइड्स इक्वल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों जो आर्म हैं वो इक्वल्स हों, बराबर हों। यू नो दैट द एवरी एंगल ऑफ सच अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। और इस तरह का जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। सबसे पहले तो आपको एंगल के बारे में पता हो जब आप ये प्रोग्राम बनाएंगे, दूसरा और जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता हो, इक्वल साइज कैसे बनाएंगे, कैसे उसके एंगल्स को बनाएंगे। और उस ट्राइंगल का इन्होंने नाम जो दिया है, द ट्राइंगल हैज थ्री कॉर्नर्स ए बी एंड सी, द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल, द डिस्टेंस ऑफ वन कॉर्नर फ्रॉम द अदर इज इक्वल टू 40 स्टेप्स। इन्होंने तीन पॉइंट दिए, एक तो उसके जो ट्राइंगल के कॉर्नर के नेम हो वो हो ए बी और सी, तीनों साइड इक्वल लेंथ की होंगी और 40 स्टेप्स की होंगी, मतलब जो साइज है उनकी वो 40 स्टेप्स होगी और एंगल आपको बोलिंग दिया है 60 डिग्री होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ये है लोगो एप्लीकेशन का पिक्चर। इसमें दो विंडो हैं, पहली ये ऊपर वाली विंडो जो है ये वाली, जिसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, और दूसरी विंडो नीचे वाली है ये वाली जिसे हम कमांडर विंडो या कमांड विंडो कहते हैं। इस विंडो में यहाँ पर आपको एक इस कॉर्नर पे, यहाँ पर देखिएगा, इस जगह आपको कुछ फिगर दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ कमांड दिखाई पड़ रहे होंगे, वो ही प्रोग्राम के कमांड हैं, कैसे लिखे जाएंगे। और यहाँ पर कुछ कमांड और दिए गए हैं जिनको आप क्लिक करके कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। हम केवल बात करेंगे ये जो प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है इसकी, और कैसे ये ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा इसकी। तो इन द बिगनिंग द टर्टल इज एट अ पॉइंट ए, ये बता रहा है शुरुआत में हमारा जो टर्टल होगा, टर्टल आपको पता है एक ट्राइंगल शेप का एक पिक्चर होता है, फिगर होता है, जिसे हम टर्टल कहते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन हेड होता है जो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, और नीचे जो बेस होती है ये नीचे, इसे हम कहते हैं टेल। तो हेड की तरफ मूव करता है या टेल की तरफ से मूव करता है, वो कमांड थे जिनमें बी के कमांड और एफ डी कमांड थे, फॉरवर्ड के लिए एफ डी और बैकवर्ड के लिए बी के। ऐसे ही लेफ्ट या राइट कैसे मुड़ेगा उसके लिए आपका कमांड था एफ टी, एल टी फॉर लेफ्ट टर्न एंड आर टी फॉर राइट टर्न। ये चार कमांड जो आप ज़्यादातर यूज कर रहे थे, और इसके अलावा कुछ और कमांड हैं जिनके बारे में अभी प्रोग्राम में हम बताएंगे। शुरू यहाँ पे जो बताया गया है उसमें ये है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द टर्टल इज एट पॉइंट ए, टर्टल जो ये टर्टल था ये ट्राइंगल शेप वो ए पर होगा। इन द माउथ इज अपवर्ड, जिसमें कि ये माउथ अभी अपवर्ड है, ये अपवर्ड की कंडीशन है। देन ड्रॉ द साइड ए बी, सबसे पहले ए बी साइड, ये वाली जो साइड है जिसमें ए और बी लिखा हुआ है इसको बनाना है। तो अभी टर्टल का फेस किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसे हमें किधर मोड़ना होगा, इसको राइट हैंड साइड पूरा इधर से इधर की ओर मोड़ना होगा। तो इधर से इधर मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, और एंगल क्या होंगे, एंगल होंगे 90 डिग्री। हमें जब इस लाइन को, इस लाइन को इस तरीके से ना करके इस तरीके से करना है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये हो गया 90 डिग्री। इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाया जाएगा, और उसके लिए हम कौन सा कमांड चलाएंगे, ये वाला कमांड चलाएंगे। सबसे पहले कौन सा कमांड चलाएंगे, RT90, ताकि जो हमारा टर्टल है ये इस तरीके से, वो टर्टल हमारा इस तरीके से हो जाए, जिसका हेड अब इधर हो जाए।
जो कि पहले यहाँ पर था। तो इसको घुमाने के लिए हम लोग कमांड कौन सा सबसे पहले चलाएंगे, RT90 जो कि ए बी लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले अपना टर्टल का जो मुंह है जिसे हम हेड कहते हैं वो मोड़ेगा। फिर कितने स्टेप्स हमें बनाने थे, हर आर्म का स्टेप उसने बोला था कि 40 स्टेप के होने चाहिए, तो हमें कितना आगे चलना है, एफ डी कमांड फॉरवर्ड चलने के लिए, और 40 वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो बताए गए थे यहाँ पर कि कितनी लेंथ की आर्म होनी चाहिए ट्राइंगल की। तो सबसे पहले उसको मोड़ा नीचे की तरफ ए बी लाइन बनाने के लिए, फिर 40 स्टेप्स चल दिए, तो एफ डी कमांड के थ्रू 40 स्टेप्स चलेंगे। फिर ये जो थर्ड कमांड है जिसे हमने बोला है कि ये टर्न कर दे, फिर उसका फेस जो है वो मोड़ दे। देखो यहाँ से अगर हम ये वाली चीज खींचते हैं तो अंदर की ओर आपको दिख रहा होगा एक फेस और एक होगा ये बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो फेस है मतलब ये लाइन जो है इसमें एक यहाँ से यहाँ तक वाला फेस है इधर की ओर, और एक है यहाँ से यहाँ तक वाला फेस। तो दो एंगल हैं यहाँ पर, एक अंदर की ओर, अंदर वाले एंगल को हम कहेंगे 60 डिग्री का एंगल, और बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये बाहर वाला जो एंगल है वो 120 का है और ये जो अंदर वाला है वो 60 का है। हम पहुंच कहाँ पे गए हैं, हम अभी पहुंच गए हैं ए से बी लाइन पर यहाँ से यहाँ, और हमारा ट्राइंगल का शेप किधर है, इधर, और हमें अब ट्राइंगल की ये वाली लाइन बनानी है। तो जो शेप ट्राइंगल का मुंह जो इधर है इसको हमें यहाँ से घुमाकर यहाँ लाना है, और इसके लिए हमें कितने डिग्री एंगल पे घूमना पड़ेगा, 120 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए यहाँ पर LT120 बनाया गया, क्योंकि हम किस साइड घूम रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड घूम रहे हैं इस तरफ। अगर राइट हैंड साइड घूमते तो इस तरफ घूमते, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड घूमना था तो हमने क्या किया, 120 डिग्री टर्न किए, और टर्न करके हमारा फेस अब टर्टल का किधर हो जाएगा, जो टर्टल का फेस इधर था अब टर्टल का फेस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब अब हेड किधर हो जाएगा, यहाँ, जबकि हेड पहले कहाँ था। अब जैसे ही हम इसको घुमाएंगे 120 डिग्री लेफ्ट में, तब ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा और बी से इस तरफ हो जाएगी इसकी एंगल, इस तरफ हो जाएगी, और हमें फिर वही 40 स्टेप चलना है। अब कहाँ पहुँच जाएंगे हम, सी पर। तो बी सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और 120 डिग्री घूमने के बाद ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर हम वही कमांड चलाएंगे एफ डी 40, और फिर ये घूमकर यहाँ पहुँच जाएगा। अब हमारी कितनी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ए बी ड्रॉ हो चुकी है और बी सी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें कौन सी आखिरी लाइन ड्रॉ करनी है, ए सी ड्रॉ करनी है या सी ए ड्रॉ करनी है। तो फिर हमें कितने डिग्री घूमना है, फिर हमें घूमना है 120 डिग्री। तो फिर हम अभी हमारा फेस किधर है, यहाँ पर इस तरफ। अब हमको इधर से लेकर इस तरह घूमना है, ये इसको घुमाने के लिए हमें फिर वही कमांड चलाना पड़ेगा, और वो कमांड कौन सा है, एल टी लेफ्ट साइड हमें घूमना है, तो एल टी 120 ये देखिए, और आखिरी में फिर आपको कितने स्टेप्स चलना है, तो फॉरवर्ड स्टेप्स, तो 20 डिग्री चलना है। इस बार हम घूमेंगे तो लाइन हो जाएगी ए बी से, बी सी से, और फिर सी। अब ये 40 स्टेप्स यहाँ, 40 स्टेप्स यहाँ, 40 स्टेप्स यहाँ, तीनों इधर लेफ्ट में 120 डिग्री, इधर लेफ्ट में 120 डिग्री, और ये सारे कमांड कंप्लीट होने के बाद हमें क्या दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से कमांड हमारे चलाए गए थे और क्या बना हमारा, ए बी सी ट्राइंगल। अब देखो इन कमांड्स को अगर हम दोबारा से चलाएं, फिर से चलाकर देखते हैं कि क्या बनेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये है हमारा टर्टल, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एक ट्राइंगल। टर्टल का शेप आपको ट्राइंगल की शेप की तरह से होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
बनाना क्या है हमें, ये हमारा जहाँ पर हेड है इस वक्त, ये हमारा पॉइंट है ए, लेकिन हमें घुमाना कैसे है इस वाले हेड को, जो ये हेड है और ये हेड ए लाकी और ये है पॉइंट ए, ए से हमें बी तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हेड का मोमेंट है वो इस तरफ होगा अगर हम कोई भी कमांड चलाएंगे एफ डी या जो हमारा बैकवर्ड कमांड था बी के, तो एफ डी हमें चलाना है ऊपर की ओर, ये लाइन खींचना स्टार्ट करेगा, जबकि हमें लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, ए बी वाली जो कि इस तरीके से लाइन है, तो हमें इसका मुंह किधर मोड़ना पड़ेगा हेड का, नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल जो ये लाइन थी ये इसको किधर मोड़नी पड़ेगी, इधर, और ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, और किधर घूम रहे हैं हम, राइट हैंड साइड, किधर घूम रहे हैं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 90 डिग्री घुमाना है हमें पहले टर्टल को, तो राइट हैंड साइड 90 डिग्री के लिए कमांड हम चलाएंगे आर टी, एक स्पेस बार दबाएंगे, कीबोर्ड में तो सबसे लंबी वाली की होती है उसे हम कहते हैं स्पेस बार, तो आर टी कमांड लिखने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जो नीचे वाली विंडो है उसमें, और जैसे ही हम ये लिखेंगे सबसे नीचे उसमें कर्सर होता है वहां पर आपको लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे नीचे एक बार आती है जिस पर आपको माउस को क्लिक करना है और वहीं पर ये कमांड लिखने हैं, ये कमांड जैसे जैसे आप लिखेंगे तो ऊपर कमांड विंडो में दिखाई पड़ने लगेंगे एक के बाद एक, आर टी 90 डिग्री घूम जाएंगे हम, फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, अभी हमने लाइन नहीं ड्रॉ करी, अभी केवल हमने अपने कर्सर को मोड़ा है या टर्टल को मोड़ा है, कितने डिग्री 90 डिग्री यहाँ मोड़ दिया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं, तो आगे चलने के लिए हमें कौन सा कमांड चाहिए, फॉरवर्ड कमांड, कितने स्टेप्स चलने हैं आगे, 40 स्टेप्स चलना है ए से बी तक पहुंचने के लिए, 40 स्टेप्स चलना है, तो हमने कमांड चलाया दूसरा वाला एफ डी 40, अब ये क्या करेगा, ए से बी तक की लाइन खींच दिया उसने, अभी हमारा टर्टल यहाँ पहुंच जाएगा और इसका मुंह किधर है, इसी तरफ है, जबकि हमको ट्राइंगल बनाने के लिए मुंह किधर करना है, ऊपर की तरफ, और कितने डिग्री, ये देखिए 120, यहाँ पर अगर इधर से जैसे आपने पहले किया था यहाँ से फिर इधर मोड़ने के लिए, अब इस बार लेफ्ट मोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मोड़ने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ता है, 90, पहले हमने 90 घूमा था, तो यहाँ भी कितना घूमना पड़ता है 90, लेकिन हमारी इधर और थोड़ा सा घूमना है हमें, और ये 60 डिग्री का एंगल उसने बोला था कि अंदर की जो एंगल है वो 60 डिग्री होनी चाहिए, तो फिर से दोबारा से 90 डिग्री लेफ्ट में घुमाएंगे तो ये जाके यहाँ दोबारा से पहुँच जाएगा, लेकिन 60 अगर उसमें से माइनस कर दें जो 90 डिग्री बचा हुआ है एंगल है, तो ये एंगल बनता है 30 का, 60 नीचे वाला, ये 30, 90 हो गए दोनों मिलाकर, पहले 90 हम मूव कर चुके हैं और 30 और अगर मूव करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, इसलिए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इधर से इधर की ओर घूमना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड घूमना है LT, और कितना घूमना है 120 डिग्री, तो हम कितना घूम गए 120, तीसरा कमांड हमारा अब हो चुका है, और वो कमांड था LT 120, अब हम LT 120 चलाने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, और हमारा मुंह कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ, अब इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है, और कितने डिग्री घुमाना है, जितना अभी आपने घुमाया था, और कितना 120 डिग्री फिर से, तो देखिए एफ डी कमांड 40 चलाने के बाद फिर से हमने LT 120 चलाया, अब यहाँ पहुँच जाएंगे सी पर, और सी पर पहुँचने के बाद फिर से हमको मुड़ना है, तो लेफ्ट हैंड 120 मुड़े और फिर चलना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दोबारा पहुँचने के लिए, तो फिर से हमने एफ डी 40 कमांड चलाया, इसमें तीन कमांड लाइन खींचने के और तीन कमांड एंगल को मोड़ने के लिए, पहले में हमको 90 डिग्री एंगल मोड़ना था यहाँ से यहाँ, तो हमने 90 डिग्री राइट हैंड साइड मोड़ना था, तो राइट हैंड साइड लिखा आर टी, फिर हमको ड्रॉ करनी थी लाइन, तो एक बराबर डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी थी, तो 40 स्टेप्स की हमने लाइन चली, जो कि बोला था क्वेश्चन में कि 40 स्टेप्स की है, फिर लेफ्ट हैंड साइड हमें मूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए 120 डिग्री मूव करना था, तो 120 चला, फिर एफ टी कमांड दोबारा से चलाया, तो लाइन दोबारा से ड्रॉ हो गई,
अभी दो बार लाइन ड्रॉ हो चुकी है, पहली लाइन ये वाली और दूसरी लाइन ये वाली। अभी तीसरी लाइन और ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके पहले फिर एंगल को हमें बदलना है। तो दोबारा से 120 डिग्री यहाँ पर एंगल बदला और फिर आखिरी लाइन हमने ड्रॉ करी, तो हमारा फाइनली एक ट्राइंगल बन गया जिसका नाम था ABC। और ABC जो ट्राइंगल है वो बन रहा है बराबर लेंथ की डिस्टेंस को सीखते हुए। तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम बन जाएगा जो कि एक ट्राइंगल बनाता है AB और C का, ये जिसमें A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है। पहले इसका फेस जो था टर्टल का 90 डिग्री पे घूमा, राइट हैंड साइड घूमा, फिर ये लाइन ड्रॉ करी 40 स्टेप्स की, फिर ये यहाँ पर सबसे पहले RT 90 वाला कमांड चला, फिर 40 FD 40 वाला कमांड चला जिसने ये लाइन ड्रॉ करा, फिर LT 120 यहाँ से यहाँ तक वाला कमांड चला जिसने 120 डिग्री LT कमांड जिसे हम कहेंगे लेफ्ट टर्न, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ हुई तो FT 140, फिर यहाँ से ये लाइन जो यहाँ पे कर्सर पहुँच चुका है यहाँ से फिर इधर टर्न किया तो LT 120 क्योंकि लेफ्ट में टर्न कर रहे हैं, और फिर FT 40, तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये ट्राइंगल बन गया ABC नाम ट्राइंगल। तो आज हमने कैसे ट्राइंगल बनाया है उसके बारे में, कैसे लेफ्ट टर्न करते हैं, कैसे राइट टर्न करते हैं, कितनी दूर चलते हैं अगर बराबर डिस्टेंस चलेंगे तो क्या बनेगा, और क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, उनकी प्रैक्टिस अगर आपके पास लोगो है तो उस पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, और इन कमांड्स की अपनी कॉपी में नोट करना है जिसमें ये प्रोग्राम जिसको लिखा गया है ऊपर ट्राइंगल शेप, और इस तरीके से आपको ट्राइंगल बनाने हैं जिसमें 90 डिग्री वाला एंगल जो मैंने आपको बताया, फिर ये लाइन ड्रॉ करना AB, फिर LT, फिर इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है 1, 2, 3, 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, और फिर स्टेप नंबर 1 के बाद में आपको ये ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि प्रोग्रामिंग है, अगर आपने प्रैक्टिस करी और इस तरीके से बनाया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कॉपी पर भी, और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में भी। आज के लिए इतना ही, हम क्वेश्चन आंसर्स कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्म में आज ही डाउनलोड कर दें, अगर नहीं तो अगले लेक्चर पे आपको वो क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मिल जाएंगे। ओके, Have a nice day. Thank you very much.